नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय गढ़वा में हूँ। बता दें कि सब चौहान बस्ती है। पूछेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या बालकिशन चौहान इनका नेता है या कि दारा सिंह चौहान, और वोट किसको देंगे लोग? नाम तो और क्या है? नाम हम प्रतिभा ना हो। कहाँ वोट मराई? हाथी पर। हाथी पर ही क्यों? दूसरे पर ना मरा सकला? अब तो दूसरा पर, अब जब हाथी रही आगे तो दूसरा पर क्या करे के जाए के बताओ। तो नेता तू के कर मानो, बालकृष्ण चौहान के कि दारा सिंह चौहान के? अब हमारे खत्म तो सबे बटे बराबर, जय बाल के सुन चाहिए देश ने तारा। जब पढ़ा लिखा लेके जाता हमारे खत्म सबे बटे ना। नहीं, ऐसी छोड़ो बात ना। अपन नाम बताओ। कलपाती। वोट कहाँ देव? वोट हाथी पर दिया जाए। का सोच के वोट देव हाथी के? का सोच के? का सोच के बाल के सुन चौहान करी लिए क्या कर जाए? जो सोचल जेतो कर जाए। मोदी सरकार में तो के का का मिलल? मोदी सरकार में का मिलल बा? 5 किलो गेहूं मिलल बा, और सारा के पैसा खत्म हो गया। और का मिलल बा? और कुछ ना मिलल ना यार। मोदी सरकार बोले के गैस सिलेंडर मिलल बा, और का मिलल? और कुछ ना मिलल ना। तो वोट भी हराम के हाथी पर हाथी बाल कृष्ण चौहान के? हां चलो ठीक है। अपन वोट कहां जाए? हाथी पर। का सोच के हाथी वोट देंगे? अब ए सुविधा हम के चाहिए ना। भाजपा सरकार सुविधा ना दी थी ना? कहां कहाँ भाजपा सरकार सुविधा दे बा? ये सुविधा बा कि गैस सिलेंडर बा, 5 किलो राशन बा, लड़कन के कोनो सुविधा नहीं के पढ़ लिख के लड़का बेकार बा। हाँ प्रकार के मतलब बेरोजगारी ज्यादा? हाँ तो क्या उम्मीद लगा था कि मायावती सरकार आई तो बेरोजगारी खत्म? हाँ भाई के वो आई नया तो कुछ करी ना, यानी बदलल के मूड? हाँ बदलने का मूड नया रही तो बढ़िया। हाँ तो वोट हाथी पर? हाँ दारा सिंह चौहान आके वोट मांगे भाजपा खातिर? हाँ। छड़ी वोट दीजिए तब क्या करोगे? नहीं नहीं ना देंगे, जो हमारे मन में है वो करेंगे ना। उनके नाम ना? ना शकुंतला। तो किसको वोट देंगे आप? हाथी पर। क्या सोच के? हाथी पर सोच के वोट देंगे कि बाल बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पा रहे, स्कूल में अच्छा पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, आ पैसा वैसा भी नहीं कुछ मिला, खेती में भी पैसा मिल रहा है, और गैस उसके बारे में सिर्फ शोर है, वो भी तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता? नहीं मिलता, कुछ भी तो नहीं मिला है। अच्छा बताए कि मोदी सरकार का 10 साल कार्यकाल पूरा हो गया, इस कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या देख रहे? पहले होता है कि चलो चलो पैसा कम लगेगा, मोदी सरकार को वोट दिया है तो कम दिखाई देता है, बाद में इतना पैसा देखे एक ओर से आदमी निकाला था, कहीं तेल में कहीं कुछ में कहीं कुछ में सब जगह निकाल देते हैं। सुविधा दे रही है लेकिन उस हिसाब से वसूल भी रही है? हाँ सही बात है, वसूल तो रही है। बालकृष्ण चौहान को वोट देंगे आप लोग? हाँ। और दारा सिंह चौहान के बोलेंगे कि हम भाजपा में, छड़ी वोट दीजिए तब? नहीं नहीं, जिसको अपना विचार है वही वोट देंगे, बाकी उनसे मतलब नहीं? नहीं। तो ये पूरा चौहान बस्ती एक साथ है? अब सबका विचार तो हम नहीं बता सकते, सिर्फ अपना गांव की है ना, तो कुछ आंकड़ा होगा ना? हाँ नहीं, ये सब नहीं बताएंगे। चलिए अपना नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम कोमल चौहान। तो चौहान जी, क्या लग रहा है कि आप लोग बालकृष्ण चौहान को नेता मानेंगे कि दारा सिंह चौहान को? बालकृष्ण चौहान को। दारा सिंह चौहान मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं फिलहाल। ठीक है सर, ये झूठों के सरकार में है, वो सरकार आई तो बहुत बड़े बड़े दावे की कि लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, और 15 करोड़ भी नहीं इन लोगों को मिली। दूसरा अभी जल्दी जल्दी अमित शाह ने कहा है कि लोगों का जो सहारा का पैसा फंसा हुआ है वो सभी खाते में 45 दिन के अंदर चला जाएगा। 45 दिन से तो ऊपर हो गया। 45 दिन की कितने 45 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी के खाते में एक भी फूटी कौड़ी नहीं आई। और ये जो सरकार है झूठों की सरकार है, अगर कहीं किसानों को 5 किलो अनाज देती है तो उससे अधिक कहीं सांड छोड़कर चरवाती है, किसानों का नुकसान कराती है और किसानों को गुमराह करके वोट लेती है। इसीलिए आप लोग इस बार सरकार, इस बार मूड चेंज है कि इस बार सरकार को चेंज किया जाए, बालकृष्ण चौहान की तरफ, बालकृष्ण चौहान को की तरफ हम लोग हैं। बता दें आपसे कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि झूठी सरकार है, और दारा सिंह चौहान की अलग बात है, बालकृष्ण चौहान की अलग बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।